जगह पर आ गई भाई, आ जाओ इस वीडियो को वायरल कर दो यार, वायरल कर दो ताकि हमें और मोटिवेट मिले कि भाई उधर कुछ दिख रहा है यार। जिस जमाने में तुम कंकर डाल देते घड़े में, अब ये नया जमाना आ गया अपग्रेड वाला। नाइट कैंपिंग करना आसान नहीं, आसान बहुत मुश्किल है भाई। भाई चल ये खाना ना बना, अंदर जाएंगे सीधे भाई साहब। गुलाबी शरारा मारो दोस्तों, हमें पानी लेना आ रखे गधेरे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए कैंपिंग वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम निकल गए हैं अपनी कैंपिंग साइट, और जहां पर अभी हम पहुंचे हैं आधे जंगल में, और देख सकते हैं यहां पर कितना तगड़ा जंगल है। मैं दिखाता हूं आपको, देख सकते हैं आप पूरा घना जंगल है, और अभी हमें इधर लोकेशन नहीं मिल पा रही है काफी, और रिवर भी है यहाँ पे काफी खतरनाक, और रिवर भी है नीचे। तो दोस्तों अभी हम इस जंगल में निकलते हैं आगे, और हमें काफी जाना है इसमें। अभी देखें कहीं पे हमें अच्छी सी लोकेशन मिलेगी हमारे कैंप पे पिच करने के लिए, तो वहीं पे अपना टेंट पिच करेंगे। रास्ता भी नहीं है भाई, अरे भाई रास्ते बड़े खराब हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वाओ भाई यहीं पर टेंट पिच करेंगे आज। हाँ यही सही है लोकेशन, बढ़िया हो गया, काफी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, यहीं पर टेंट पिच करेंगे क्योंकि टाइम भी अभी 5 तो बज गया होगा शायद, मुझे लग रहा है बजने वाले होगा, यहीं पर टेंट पिच करेंगे अपना। हाँ यहीं पे करते हैं टेंट पिच। यस ओके, तो फाइनली दोस्तों हमारा टेंट पिच हो चुका है, देख सकते हैं आप। और आप सभी को नए साल 2024 की बहुत बहुत बधाइयां, आपके परिवार को, आपको, आपके दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए काफी अच्छा जाए। और हाँ इस बार आपने 2023 में 31st के दिन क्या क्या छोड़ा है, और क्या कहते हैं मतलब आपने क्या क्या मांग की है छोड़ने की, क्या क्या आप शुरू करना चाहते हैं कुछ नया? हाँ अच्छा 2024 मतलब सभी के लिए अच्छा जाए, और हम लोगों की आपको सबकी मतलब खुशियां मिले ढेर सारी ढेर सारी। और दूसरा मतलब हम यही कह रहे हैं कि मतलब आपने क्या क्या मतलब उम्मीद रखी है, मतलब कि हम आगे मंजिल अपने कैसे पाएंगे, कि क्या जो करने हमने 2023 में यार ये नहीं करना था वो हमने किया, 2024 में वो चीज नहीं करनी है, अच्छा करना है। और जो मतलब खुश भी रहे आप भी, परिवार भी, सभी लोग, तो ना 2024 में तो हमें भी काफी उम्मीदें हैं कि हम भी कुछ बेटर करके आपको दिखाएंगे। और आज तक हम लोग पहाड़ी टोप पहन रहे हैं पर रीति रिवाज है की कैसी लग रही है हमारी टोपी, मस्त लागू छो यार, ये बात है गर्मी बहुत है थोड़ा कानों में ठंडा होना, बाकी सब बढ़िया, हाँ बाकी सब मस्त हो रही है। तो भी हमारी वही है उत्तराखंड कल्चर, बाकी दूसरा ये आपको पता ही होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहनी थी टोपी, बहुत उन्हें काफी मतलब हमारी टोपी उत्तराखंड की जो है काफी वायरल है, वायरल हो गई कि मतलब कोई भी अगर पहनते तो कहते कि उत्तराखंड की टोपी है, चाहे मतलब बड़े से बड़े सेलिब्रिटी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 2024 में आप क्या नया करने जा रहे हो, बात हमारी टोपी आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी हम फटाफट पहले लकड़ियां अकड़े लाते हैं। तो दोस्तों हमें लकड़ियां यहीं पर ही मिल गई है, जो पेड़ सूखा हुआ, पेड़ गिरा हुआ चीड़ का, तो यहीं पर ही लकड़ी काफी अच्छी मिल गई है। भाई लकड़ी काट रहा है और मैं भी अपने लिए ठीठे ले लेता हूँ, क्योंकि ठीठे जलाना ज्यादा जरूरी है। ये वाले ठीठे हैं साइन ठीठा कॉस ठीठा वाले, ये ठीठे हैं, ये काफी अच्छे जलते हैं, इनमें एक बार आग जल लग गई तो बढ़िया जलती है, तो हम ढूंढ के लाते हैं जब तक। ये काफी अच्छा बॉम फायर में काम करेगा तो ना, ठीठे ले आया हूँ भर के।
रो भाई, काफी अच्छे लग रहे हैं, मिल गए, कम हो जाएगी फिर ले आएंगे और। हाँ यहाँ लकड़ी की कमी नहीं है, कमी नहीं है इधर साइड। दोस्तों हमें पानी लेना आ रखे गधेरे में, और ना पानी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो केतरी से ही भरा जा रहा है यार। सही है अपने, यहाँ ज्यादा पानी है ना, ये पानी भी वो है बहता हुआ सीर का पानी है, सीर का पानी है सदाबहार, खराब पानी नहीं होगा ना ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी है तो लग रहा है कि सदाबहार ही होगा। पूरी केतली ठंड भी बहुत हो, लेकिन भाई यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ है ना भाई, यहाँ को मतलब हमें यहाँ पे मतलब डर काफी है, और पानी की जगह पर ज्यादा डर होता है, जानवरों का ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि पानी पीने आते हैं जानवर, पानी पीने और पानी। और हमारा कैंप भी ज्यादा दूर नहीं है, वो सामने वाले खेत में ही है, बजवाड़ में भाई साहब, लेकिन पानी भरने में मजा आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम जाएंगे इस पेड़ पे जो ये पुल बना हुआ है ना, नेचुरल पुल, हाँ नेचुरल पुल बोलते हैं, तो ये पेड़ का बना हुआ टूटा हुआ वहां से यहाँ तक, तो हमें इसमें यहाँ से वहां तक निकलना है, देखते हैं कहाँ से जा सकते हैं। तो चलो भाई, ये कहीं गिर ना जाए हमारे निकलने में। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, और भाई भाई बहुत हिल रहा है, तो भाई खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, मजाक में कहीं सजाग ना हो, जाने को तो जा सकते हैं भाई, लेकिन डर काफी लग रहा है, ये हिल भी यहाँ पे डांस कर लेंगे, ओए ठुमक ठुमक जब हिटू चाहे तू पहाड़ी, उधर तो चलो, ओ माय गॉड, यहाँ से मेरे ठुमक हो जाएगी क्या हमारी अभी, ठुमक ठुमक यहाँ थोड़ा सा और पास, बस अब यहाँ पे कर सकते हो तुम। अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, ओए बैंगर मारो वो भाई, आवाज कर दिया इसे तो, ओ माय गॉड। दोस्तों आप लोग ऐसा ना करें कभी भी, भाई कभी भी नहीं, ये खतरा है, अभी ये आवाज करने लगे टड़क करके, हाँ यार दो बंदों के चक्कर में हम बैठ गए, यहाँ पे आगे तो कट आवाज से आई, क्योंकि ये पेड़ सड़ गया है पूरा, हाँ तो इसलिए ये तो आप लोग कभी ऐसे रिस्क ना लें। तो चलो दोस्तों हमारा बॉम्ब फायर रेडी हो चुका है, अब पीते हैं बढ़िया सी चाय, क्योंकि काफी देर से हम लकड़ी वकड़ी सब कुछ लगा, हमने देख ही लिया है, थक गए हैं, बढ़िया सी चाय पीते भाई हैं, मस्त वाली पीते हैं यार, झमाझम वाली, अरे पट्टा है कोई हो दगड़ी हो, थोड़ा पानी भी पियेंगे ना गरम गरम सा, हाँ थोड़ा गरम पानी पियेंगे यार, ठंडा पानी तो पिया नहीं जा रहा, इतना गर्म हो रहा हो, इतना गर्म हो रहा ठंडा पानी बहुत, अंधेरा भी होने वाला है अब। और बॉम्ब फायर ना हमने नीचे ऐसे बनाते हैं हम, तो नीचे जमीन को खोद के वो सही रहता है ना, हाँ। कहीं आग भी लगने की दिक्कत नहीं होती है, ना चिड़ू का आने की दिक्कत रहती है, चिंगारी कोई, और उसमें क्या करते हैं वो भी नहीं होता कि मतलब चूल्हा लगाओ पत्थर लाओ, हाँ। इसमें दो लग रहा तिरसी लगाई ऊपर से अपनी कढ़ाई कुकर तवा सब आ जाता है, केतली कोई मोटी मोटी लकड़ी लगानी पड़ेगी, सर्दी के टाइम पे आग ही है जो है, बस बिना आग के कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हेलो भाई जी, चाय बन गई, लाओ थी चाय, आज मैंने बना रखी है मसाला टी, बताओ टेस्ट कैसा है, मजा आ रहा है, मसालों का पूरा स्वाद है, ये क्या क्या मसाले हैं इसमें, इसमें लौंग और काली मिर्च, मैंने वो कहा था मार्केट से लाया, दाने साबुत लाया था मैं खड़ा, अच्छा तो पिसवा दी, हाँ, घर में आके सिलबट्टे में पीसे मैंने, क्योंकि अदरक का ना, अदरक का मजा तो है लेकिन पानी थोड़ा सा वो कर दे रहा है अभी, आजकल अदरक थोड़ा कच्चा आ रहा है ना, आ रहा हो इसलिए हो रहा है, हाँ वो अदरक में उतना टेस्ट ही नहीं आ पा रहा है, तो सर्दी और अभी सर्दी भी ज्यादा होगी, तो ये लौंग की चाय का अलग रहेगा, अलग रहे, गर्म भी रहेगा ना एहसास, क्योंकि सुबह के टाइम पे काफी मतलब ओस पड़ जा रही हो भाई, रात भर सब ऐसे हो रहा है, हमारे जो हम बाल्टी भर रहे हैं ना पानी की, हाँ पूरा शीशा सा ग्लास कांच जैसा जो है वो बन जा रहा है, वो पाला पाला कम ही गिरेगा यहाँ पे, जैसे भी सकता है क्योंकि यहाँ पानी है ना, पानी भी है, पेड़ भी है ना, तो पेड़ के हिसाब से वो रोक लेता है जरा, जहाँ पेड़ नहीं होगा वहां पे दिखेगा सभी सभी। तो दोस्तों अब करते हैं खाने की तैयारी, 6:30 हो गए यार, आजकल तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है और ठंड कुछ ज्यादा है, तो फटाफट बना के निकलेंगे अंदर, आज हम बना रहे हैं पराठा, अंडा पराठा, अंडा पराठा बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा नमक हम इसमें भी डाल देते हैं, ये आ जाएगी हमारी हल्दी, लग रही है आग बढ़िया जला दी अपन ने, मस्त वाली आग तो सही जली है, आग जलनी चाहिए यार यहाँ पे, डर भी है यार यहाँ पे, ऐसा लगे वो पानी भी खर ऐसा बज रहा है कान जैसे लग रहा है, पानी की आवाज आ रही है, कुछ हाथ नहीं रहा, बस इसको ना गूंद लेंगे हम
घुमा लेता हूँ जरा। नमक भी डालना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा? हाँ नमक डाल दिया, थोड़ा ही डाला था ना। रुक जाओ ऐसे पता नहीं लगेगा, गर्म तो नहीं हो जाने। आटा गूंद के रख दें पहले, फिर तो बनाना ही है। गुद दिया आटा, बस होने वाला है। चलो फिर जल्दी करो। दोस्तों अभी हमारे क्या कहते हैं जो माइक थे ना, माइक के हमारी केबल हो रही थी खराब, और जिसमें क्या कहते हैं हम खाली जुगाड़ पे लगे थे कि हमारा जो हमारी ओरिजिनल केबल थी वो टूट गई थी, ऑक्स केबल से चल रहा था हम, तो बीच में क्या हुआ हमारी ऑक्स केबल भी खराब हो गई। मतलब उसने डेमो दे दिया हमको तगड़ा, हम शूटिंग पे गए और आधे रास्ते से हमको वापस आना पड़ा। आधे मतलब हमने शूटिंग कर ली थी, आधे रास्ते मतलब दो चार शॉट हमने निकाल दिए थे। हाँ फिर आगे जाके हमने कहा चलो चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हुई है, क्या अच्छी बनी है नहीं बनी है, तो हमने क्लिक करने चेक करा तो देखा तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही। फिर भाई साहब इतना मूड खराब हुआ ना आधे रास्ते में जाने के बाद, हमने कहा क्या करें अब। वही तो फिर वहां फिर दोबारा हमने कितने मतलब भाई के फोन में लगाया, इसके फोन में लगाया, अपने फोन में लगाया, तो उसमें भी देखा तो किसी की उसमें आवाज नहीं आ रही। फिर वहां से हमें वापस आना पड़ा, सारा सामान वामान मतलब आधे रास्ते में आप जान सकते हो कि आधे रास्ते में जाके कितने फिर दिक्कत होती है। उसके बाद फिर हमने अभी मंगाई है, कम से कम एक हफ्ते के बाद आई है। हाँ एक हफ्ता हमारी इस वीडियो का, नहीं तो हमारे अभी 31st में ब्लॉग बहुत अच्छा, हम आपको 31st में ब्लॉग देते, लेकिन क्या करा माइक में हमारी केबल नहीं और फिर उसमें आवाज नहीं आती, तो फिर कमेंट आते हैं कि यार आपकी उसमें आवाज ही नहीं आ रही। दोस्तों के उनके सबके कमेंट आते हैं। हाँ। तो हमने कहा क्या फायदा है ऐसी वीडियो बनाने का जिसमें आवाज ही नहीं आई, कोई फायदा ही नहीं है उसका। फिर तो इसलिए आप जो हमने केबल मंगाई है ओरिजिनल केबल मंगाई है, अब काफी आपको आवाज काफी अच्छी सुनाई देगी और काफी प्रॉपर तरीके से आवाज आएगी, बढ़िया सी एकदम। मतलब वो 31st का बीच में सोच रहे थे कि वीडियो, अभी तो हमारी दो वीडियो आ जाती तब से। हाँ उस वीडियो जो हमारी आई वीडियो उसके बाद पीछे दो वीडियो और आ जाती, लेकिन वो माइक ने धोखा दे दिया हमको सही रास्ते पे, वही खराब हुआ। और पता नहीं वो ऑक्स केबल दो चार वीडियो में कैसे लग गई हो, पता नहीं वो कैसे लग गई उसने, मतलब ऐसे काम कर दिया उसने। हाँ दो चार काम चलाव वाला कर दिया उसने थोड़ा। फिर उसके बाद फिर उसने ऐसी डेड पड़ी हो कि मूड ही खराब कर दिया उसने। शॉर्ट भी फोड़ना था ना एक। हाँ शॉर्ट भी रखा है, वो भी अभी तोड़ना है, तो अभी आपको दिखाएंगे वो शॉर्ट फोड़ेंगे हम। पहले कटिंग होनी कर लेते हैं और उसके बाद फिर शॉर्ट उड़ाते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा डर भी है यार। डर है, काफी डर है भाई। तो दोस्तों ये है शॉर्ट जो हमने 31st के लिए रखा था, तो आज ही 31st और आपको नए साल की हार्दिक बधाई, तो इसको अभी बजाते हैं इधर। माय गॉड नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक आप सभी लोगों को, हमारी तरफ से दीपक भाई और बच्चे बबलू भाई की तरफ से सभी को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आपने देखा अभी कितना प्यारा शॉर्ट था हमारा, ये हमने ना रखा था यार कि 31st के दिन ना फुल बच्चा सा ब्लॉग बनाएंगे अच्छी जगह पे लोकेशन पे, और वहीं इसको 12 बजे का रखा था कि 12 बजे भी आओ, रात के 12 बजे जो नया साल आता है तो उस वक्त ये पटाके, तो वही हमने कहा ये भी शॉर्ट फोड़ेंगे, मजा आने वाला है। तो चलो कोई नहीं, नए साल में सही। हाँ। और नए साल की खुशियां, नए साल तो पूरा भी पूरा महीना चलता है, मतलब ये नया साल की बधाई पूरे एक महीने पूरी चलती है। हाँ, पूरी चलती है। हाँ। क्योंकि लोगों को टाइम ही वही मिलता है। हाँ, तो मतलब लोग मैसेज करते हैं, मैसेज करते रहते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तो हम भी अब फटाफट करते हैं शाम के खाने की तैयारी। तो दोस्तों अब बनाते हैं खाना। मुझे लग रहा है रोई पतली हो गई, हैवी बनाओ थोड़ा, है ना, पतली हो गई है, कोई नहीं दूसरी बना लो फिर। इसको देखो मेरा गर्म भी हो रहा ना, छोड़ दो छोड़ दो, गरम हो रहा है ज्यादा, अभी भी ज्यादा आंच ज्यादा हो रही है ना।
हाँ ये पहली बार कोशिश है अंडा पराठा बनाने की ऐसी नॉर्मल वाली। हाँ अब देखो क्या होता है। ये बन गया हमारा पराठा, लेकिन अच्छा बना है। हाँ ये भाई उधर से आवाज आ रही कुछ साइड से पीछे से तो ऊपर से। हाँ यार वो टॉर्च ला कहाँ है? ये है टॉर्च। चल चल हमारे पे लाठी भी नहीं है, लाठी लानी पड़ेगी। चलो चलो उधर चलो आपके पास चलो भाई चल पे खाना ना बना अंदर जाएंगे सीधे। भाई साहब भाई आवाज आई पता नहीं किस चीज की आई हो, डर लग रही भाई यहाँ पे तो। ये तो पानी है ना यहाँ पे। हाँ ऊपर भी पानी है इधर भी पानी है, पूरा गदेरे में जंगल ही है पूरा। जल्दी जल्दी कर बना इसको। अंदर ही खाएंगे वहां बैठ के। हाँ अंदर ही खाएंगे भाई। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारे एग रोल बन गए हैं ये, इसको ना लेकिन खुल जा रहे हैं क्योंकि स्टिक नहीं है ना इस पे लगाने की। चलो देख सकते हैं आप कितना प्यारा बनाए। ये नंबर का बनाया। थोड़ी सी ना वो बने नहीं हमारे से, लेकिन टेस्ट बहुत हो रहा है। अब बाहर इतनी ठंड हो रही ना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, और हरी मिर्ची लग रही, मजा आ रहा खाने में। दो दो रोल से गेम ओवर भी हो गया है। दोस्तों खाना हमें खा के आ गए हम अंदर, और अपना ठंड हो रही है तो अपना ये वाली पगड़ी निकालते हैं बाहर। बहुत ज्यादा ठंड हो गई है वो भाई, और पट्टे हो गई अब तो। और सेफ्टी के लिए ना हम बल्ब लाते हैं टोपी में, जो टूटे ना आपस में टकरा जाते ना भाई। और पट्टे हो गए यार ठंडा। टाइम कुछ हो भाई? टाइम 10:41 भाई। ठंड बहुत है ना, हमने भी आज स्लीपिंग बैग लगा दिए यार। देखते इसका कितने दिन में आ रहे हैं? एक हफ्ते में आए हैं ये, साथ साथ आए मतलब पहले मंगा जैसा। चलो यार इसे देखते हैं कितनी राहत माइनस में है क्या है, कितना ठंड कवर करता है। पर एक तो हमें खुशी मिल गई कि हमें कंबल वगैरह ले जाना का दिक्कत झंझट खत्म हो, क्योंकि यार बहुत भारी होते थे और दूसरा बैग में आते ही नहीं थे, वो बाहर से लाने पड़ता। कुम्मर उसमें इतने लग जाते थे वो ढकने के बाद भी कुम्मर चुपते थे। इसमें ये कोई झंझटबाजी नहीं, इसका बैग अपना करो अपना। अब देखो फिर कैसा रहता है आज का अपना, काफी सुविधा होगी यार ना कंबल के हिसाब से। मजा आ गया भयंकर, मजा आ रहा है, फिर आ रहा है। आज खुशी हो रही है बहुत ज्यादा कि हाँ यार ये हमने ले लिए। मतलब तुम ये पैसे इतने खर्चे हो गए ना कसम से, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए भाई, बहुत ज्यादा खर्चे की। और जो आमदनी अटनी खर्चा रुपया वाले हिसाब किताब हो गया। अंदर गर्म हो गया, हवा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल भी, कहाँ से हवा होगी। लेकिन भाई यहाँ डर भी बहुत लग रही है, बहुत डर लग रही है। जो भी उससे पहले जब खाना बना था उसमें यहाँ से आवाज आई थी, और सुन और पूरा सुन इस पूरे जंगल में हम दो अकेले, इस जंगल में हम दो शेर वाला हिसाब किताब हो गया। कहीं शेर आ गया तो कहेगा भाई साहब आओ आज तुम्हारे सबसे बड़े हमें से रसली में। वाह मजा आ गया इसमें तो। आज तो मैं कहानी सुनाता हूँ, और जो क्या कहते हैं उन वाली कहानी सुनी होगी जिसमें कौवा घड़े में पानी डाल डाल के उसको प्यास लगी रहती है। पानी नहीं कहो घड़े, घड़े में वो कंकर डाल डाल के, कंकर डाल डाल के हाँ वो पानी पीता है वो। तो अभी क्या हुआ, जो वो जो कौवा घड़े में कंकर डाल के पानी पीता था तो
वो बूढ़ा हो गया, मतलब बूढ़ा बूढ़ी गया वो, बूढ़ा हो गया वो, तो उसका जो नाती पोता था जो नया, हमारी तरह जैसे हम नाती पोते हो गए अपने बुबू के, तो वैसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्यास लगी थी बुबू को, बुबू को प्यास लगी ठहरी, तो बुबू ने अपने नाती को बोला बेटा उस घड़े में पानी है और मुझे पानी पीना है, वो बहुत नीचे है वो पानी, कैसे पीऊंगा मैं, और क्या कहते तुम ऐसा करो इसमें कंकर पत्थर डाल के इस पानी को ऊपर लाओ, तुम जितने पत्थर डालोगे और ये पानी ऊपर आएगा फिर मैं पी पाऊंगा। तो उसका जो नाती होता है वो कहता है अरे बूबू ये वो जमाना नहीं है जिस जमाने में तुम कंकर डालते थे घड़े में, अब ये नया जमाना आ गया अपग्रेड वाला, अपग्रेड वाला। बूबू कह रहे अरे नतिया तू क्या कह रहा है, तो उसको समझ में नहीं आता बूढ़े कौवे को, तो वो नतिया बोलता है अभी मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। तो वो नाती जाता है उड़ के जाता है कहीं, तो वहां से स्ट्रॉ लेके आता है, मतलब एक पाइप लेके आता है और सीधे घड़े में डालता है, और बुबू से बोलता है बुबू लो पानी पियो, बुबू पी रहे हैं वो मुंह लगा के, बुबू कहते हैं अरे वाह बेटा तूने तो ये बहुत जल्दी कर दिया ये काम, अभी तक तो मैंने तो अपने टाइम पे इतने पत्थर डाले अपने घड़े में तब मैंने पानी पिया। तो वो बुबू कह रहा है, उसका नाती कह रहा है बुबू ये जमाना अपग्रेड हो गया है, बहुत फास्ट हो गई है दुनिया, फास्ट हो गई दुनिया, तो जब तक तुम घड़े में पानी डालोगे तब तक तो वो पानी कोई और पी जाएगा या पता नहीं मर जाओगे तुम तब तक। तो उसके बुबू इतने खुश होते कहते हुआ बहुत अच्छा लगा मुझे जमाना अपग्रेड और तुमने इतने जल्दी पानी पिलाया उसको, और नहीं तो क्या कहते हैं एक टाइम वही था, एक टाइम वही था जब लोग मतलब काफी काम हाम करने के बाद जो काम अभी वो जल्दी, वो टाइम हमारे पे भी लागू हुआ है, मतलब वही टाइम हुआ फिर, हाँ वही टाइम हुआ जो क्या कहते हैं। तो उसके बुबू हो गए खुश, कह रहे मजा आ गया उसको, उसने पीठ थपथपाई हुआ पानी पी के फिर उड़ निकले निकल गए घर की तरफ। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। तो अभी हम भी सोते हैं, 11 तो बजे रात के, करेक्ट 11 बजे देखे जी मैंने, 11 बजे करेक्ट। दोस्तों आप सभी को गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, और हम सोते हैं अभी। भाई अभी यहाँ से और इस शहर से मतलब ऐसी आवाजें आई चिल्लाने की, हाँ मैंने भी सुनी भाई, वे, वे, करके बहुत तेज आवाज आई यार, मतलब ना ऐसा लग रहा कुछ भूत भूत मतलब बहुत चुड़ैला टाइप की खतरनाक वाले, मेरे ऐसे चिल्लाने जैसे चिल्लाने की आवाज नहीं आती, झगड़ने की आवाज ऐसे, हाँ ऐसी आवाज आई यार गधेरे से, इस साइड से भी इस साइड से भी। सुन तो मैं भी रहा था अभी, मैं पहले चुप ही रहा, मेरा डर, मेरे पहले सुन लेता हूँ, कल्लू 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 की आवाजें आ रही है भाई, अभी भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। भाई उधर कुछ दिख रहा है यार, इतना सभी सभी पहना हुआ सा कुछ हल्का सा, इस अभी कहाँ गया, अभी नहीं दिख रहा है, अभी तो वहीं बता, अभी था इधर, भाई बंद कर इसके, बहुत कल्लू कल्लू की आवाज आ रही है यार, बहुत तेज आवाज आ रही है भाई, इधर से भी अभी थोड़ा सा हल्का सा दिखा मेरे को, ऐसे ऐसे चलता हुआ, यार भाई कैसे होगा अब, तो इधर से भी आ रही है, कल्लू कल्लू ये कैसे, मतलब अजीब सी आवाज है, भूत सांस में जाते हो, हाँ वही मतलब जो चार पांच ऐसे भाई मेरा शरीर सोने लग गया, झड़झड़ से मतलब कांटे से चुभने लगे मेरे पूरे शरीर में, घूस बम जैसे जो होते हैं डर के, यो ओ भाई बाहर से देखिए जरा, चलो भाई बाहर देख के, नहीं यार बाहर कौन जाएगा, आग आपको दिखाते हो वहां पे जल्दी जल्दी, यहीं से देख लो आग, भाई आग भी बंद है भाई, ये कल्लू कल्लू की आवाज यहीं पे आ रही सामने ही, गलत जगह पे आ गए भाई आज, बहुत गलत जगह पे आ गए भाई आज, तो भाई नीचे पूरा गदरा गदरा है, और भाई भूत है भाई, भाई यार हम बहुत गलत जगह पे आ गए भाई, बहुत ज्यादा गलत जगह पे, अभी जो मैंने हल्का सा मुझे दिखा जो भी एक सफेद कपड़े में दिखा, हाँ एकदम पूरी शक्ल नहीं दिखा उसका, हल्का सा दिखा वाइट वाइट, जैसे तेरे को बोला मैंने टॉर्च जलाया, जैसे टॉर्च जलाया तेरे को कैमरा लाया बोला, उतने में टॉर्च में ही वो टॉर्च जलते हुए एकदम से गायब हुआ, साफ हो गया था वो, और अभी भी आवाजें आ रही हैं इधर से भी उधर से भी, होते नहीं आपस में लड़ाई टाइप, वैसे टाइप में
चुप हो जा भाई, तो बजने वाले हैं भाई हम। अब चुप रहो भाई, हार्ड हार्ड कुछ मत बोलो यार, डर लग रही। क्या पता इधर ही आ जाए कोई, आग भी बंद है हमारे। बहुत ज्यादा डर लग रही यार भाई, कैसे करेंगे? अभी तो 12 बजे हैं, अब ये तो ये पानी चल रहा है और भी उससे भी ज्यादा डर लग रही है। बहुत गलत जगह पे फंस गया यार आज तो। आवाजें जैसे आ ही रही है, अभी भी आ रही है यार। फंस गए यार, फंस गए हम, गलत जगह फंस गए। अब ऐसे करते हैं, लाइट हट बंद कर दो, सो जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसको यही रखो भाई, सिराने सिराने में रखो, टॉर्च भी यहीं पर रखो। इतनी मस्त नींद आ रही थी, एकदम से भयंकर चिल्लाने की आवाज सुनी ना, आंखें अपना आप, नींद ऐसी उड़ी भयंकर ऐसी। तभी तो नजदीक में आवाज आ गई थी। होगा यहाँ कुछ होगा यार, हमने पूछा भी नहीं ना किसी तो, और लोगों से भी। ऐसे जंगलों में यार बहुत खतरा रहता है भाई, नाइट कैंपिंग करना आसान नहीं, आसान बहुत मुश्किल है भाई। कैंपिंग करना बहुत मुश्किल है, डे कैंपिंग तो चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाइट कैंपिंग करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क लेते हैं भाई, बहुत रिस्क। पहले बाघ का टेंशन तो अलग रहता है, उसके बाद फिर ये एक अलग ही, ये अलग है भाई। चलो भैया अब ऐसे करते हैं, सो जाते हैं यार। बहुत ज्यादा वैसे उसके अंदर ठीक था, लेकिन बाहर आ रही है, ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी को दीपक भाई और बल्लू भाई की तरफ से प्यार इसी सुबह गुड मॉर्निंग, और आपका दिन मंगलमय और शुभ रहे। और रात को ना नींद तो आई नहीं, यहाँ पे जो वो डर था ना इधर गजरे से, तो कल 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 की वो उनकी आवाज आपस, पूरा गजरा गूंज रहा था रात भर, बहुत ज्यादा डर था यार। चलो फिर ये चाय चढ़ा दी तुमने, ये पानी रखा है पहले, पानी रखा है भाई। इनका ठंडक ना पालक ना गिरा है बाहर बहुत ज्यादा, यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा, लेकिन नीचे पूरी जमीन गीली हो रही है, गीली हो रही पूरी। हाँ यहाँ पे पेड़ पौधे के हिसाब से नहीं दिख रहा। हाँ और भाई मैं तो लग रहा था कि रात को यहाँ आज उठना जाएंगे, क्या होता है बता। बहुत खतरनाक था यार सीन। कड़क चाय पियेंगे ना। ये आ गया हमारा मसाला, काली मिर्च और लौंग का। इतनी ठंड है, सब निकाले गए, सब खत्म। चाय पियो सर्दियों में, मसाला वाली। ठंड हो रही है, धूप कब आएगी? अभी ऊपर वो ऊपर पहाड़ों में दिख रही है, ऊपर टाइम लग गया इसको यहाँ आने में, तो यहाँ पे आएगी भी नहीं आएगी, पेड़ भी ज्यादा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर बजा देना, जो कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और नए साल का पहले वीडियो है, तो गाइस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए इसमें बहुत सारा, और इस वीडियो को वायरल कर दो यार, वायरल कर दो, ताकि हमें और मोटिवेट मिले, क्योंकि हम डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, हमारी वीडियो आगे जाके थोड़ी जा रही है, फिर रुक जा रही है, रुक जा रही है। तो हमें मतलब अगर वायरल हो जाएगी तो
बहुत अच्छा लगेगा, हमें कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो अच्छी वीडियो लाएंगे मजेदार वाली, तो वायरल कर दो इस वीडियो को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नए कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।